नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का राष्ट्र धर्म में स्वागत है। आज बात करेंगे हमारे देश में एक और जो निर्भया कांड हुआ है उसके बारे में। यूपी के हाथरस में 19 साल की लड़की के साथ रेप हो जाता है। वो अपनी माँ की मदद कर रही थी खेत में। चंद लड़के आते हैं, उसको दबोचते हैं और खेत में ले जा करके उसका मुंह दबा करके उसके साथ गैंग रेप करते हैं। इतने से भी जब मन नहीं भरता तो उसके बाद उसकी जीभ काट देते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं। उसको मरा हुआ समझ के वहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं। वो बेबस पुलिस के पास मदद के लिए जाती है लेकिन कोई खास मदद उसकी नहीं होती। तबीयत बिगड़ती है, अलीगढ़ रेफर की जाती है। अलीगढ़ में भी हालत जब नहीं सुधरी तो उसको सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है दिल्ली। कल उसने अंतिम सांस ली। देर रात उस लड़की का शव हाथरस पहुंचता है और हाथरस में एक बार फिर से पुलिस की निर्ममता दिखती है। उसके परिजनों को उसका आखिरी बार चेहरा तक देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्यों नहीं उसके परिजनों को आखिरी जो उनका हक था वो भी दिया गया? ऐसी क्या जल्दी थी? क्यों आनन फानन में ये फैसला लिया गया कि उसका दाह संस्कार आधी रात को कर दिया जाएगा और परिजनों को एक बार उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया जाएगा और पूरी जो रीति रिवाज है हिंदू धर्म के उसके अनुसार उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाएगा? क्यों? उस दर्द, उस माँ की क्या गलती थी? उसका दर्द का क्या एहसास है किसी को? आज इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, आज उस माँ के, उस परिवार के दर्द के बारे में बात करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, आपको मैं बता दूं। और शुरुआत करते हैं मेहमानों से, मैं आपका परिचय करा देती हूँ। मेहमानों को स्क्रीन पर लेके आइए। मेरे साथ सचिन रावत कांग्रेस से जुड़े हैं, विनीत त्यागी बीजेपी से जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्र धर्म पर। विनीत त्यागी जी, पहला सवाल आप ही से ले लेती हूँ क्योंकि यूपी में आप ही की पार्टी की सरकार है। क्यों जल्दी थी पुलिस को, क्यों इतनी जल्दी में उस लड़की का जो शव था उसको जला दिया गया, उसका दाह संस्कार कर दिया गया? क्यों नहीं परिजनों को एक बार आखिरी बार उसका चेहरा देखने दिया गया, पहले तो यही बताइए। आवाज पहले आ नहीं रही क्या? अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? विनीत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है अब? मैं सवाल दोहराती हूँ, ऐसी क्या जल्दबाजी थी, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी यूपी पुलिस के ऊपर जो उस लड़की का आनन फानन में आधी रात को दाह संस्कार कर दिया जाता है और उसके परिजनों को एक आखिरी बार भी मौका नहीं मिलता है कि वो उसका चेहरा देख पाए, उसका अपनी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार कर पाए? क्यों? देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो हाथरस की उस बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ और उसके बाद उनकी मृत्यु उन जख्मों की वजह से हुई, तो एक समाज के रूप में हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए और मैं भी उस समाज का हिस्सा होने की वजह से शर्मिंदा। जो दाह संस्कार की आप बात कर रहे हैं कि रात में किया गया और पुलिस वालों ने जबरदस्ती कर दिया, उसके कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से, क्योंकि पहले प्रशासन ने कहा कि उन्होंने परिवार को संज्ञान में लेके ये किया, लेकिन परिवार ने कहा कि उनको नहीं बताया गया, उनके रोकने पर भी नहीं रुका गया और जबरदस्ती की गई। तो ये दो जब बातें आई तो मुख्यमंत्री जी ने SIT इसीलिए गठित की है जिससे कि सारा सच सामने आए और प्रशासन में से भी जिसने भी जो भी चूक की होगी या जो भी गलत किया होगा उसको भी कड़ी से कड़ी सजा इसमें मिलेगी। इसलिए SIT का गठन किया गया है जिसको 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा ये मामला जा रहा है जिससे कि जल्द से जल्द जो भी दोषी होंगे, वो 4 दोषी तो हैं ही, साथ में प्रशासन ने भी जो भी इसमें गलती की है उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। गलतियां करेगा आपका ये प्रशासन? एक गलती तो पहले उसकी, जब वो गुहार लेकर के आई थी, जब वो जिंदा थी तब नहीं सुनी गई, FIR लेट लिखी गई, फिर FIR में ये भी नहीं लिखा गया कि उसके साथ रेप हुआ है, ये तक नहीं लिखा गया। फिर जब वो बयान देती है, वो वीडियो वायरल होता है, तब जा करके उनकी नींद जागती है कि FIR भी हुआ था। जब वो खुद मौके, जब वो बोल सकती थी, वो जिंदा थी, एक वीडियो वो बनाती है, वो वायरल होता है तब, और क्यों जला दिया गया उसको आधी रात में?
हिंदू रीति रिवाज तो ये नहीं कहता है ना, हिंदू थी वो, भले ही वाल्मीकि समाज से भले ही रही हो वो। देखिए स्वाति जी, यहाँ कुछ तथ्य ठीक नहीं है जो आप कह रहे हैं। जो एफआईआर की आप बात कर रही हैं, एक घंटे के अंदर उनकी एफआईआर दर्ज होगी। अच्छा। और जब उनके परिवार ने जो पहला बयान दिया था उसमें एक व्यक्ति का नाम उन्होंने बताया था और उसके SC/ST एक्ट और 307 का मामला तभी दर्ज कर लिया गया था एक घंटे के अंदर। लेकिन पीड़िता की हालत वैसी नहीं थी कि वो बयान दे पाए। उसके जब कुछ दिन बाद पीड़िता का बयान आया तब तीन और नाम उसमें जुड़े, तो चारों के चारों लोग हिरासत में हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ने काम नहीं किया है, नहीं, पूरा चारों लोग हिरासत में हैं। जैसे जिसका नाम आया हिरासत में लिया गया। आप कह रहे हैं पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, तो पुलिस रुक जाती ना, क्यों इतना आनन फानन में जा करके उसको जला दिया गया, उसके घर वालों तक को एक बार आखिरी बार देखने नहीं दिया, तमाम मीडिया वहां पे मौजूद था, मीडिया के सामने कैमरे में ये बात दर्ज हुई, ऑन रिकॉर्ड है, वहां पे कोई भी नहीं था। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अगर ये जितना भी सारा कुछ हुआ, आप कह रहे हो कि उसके घर वालों ने पहले कहा था कि आप भाई दाह संस्कार कर दीजिए, फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि उसके घर वाले कह रहे हैं, उसकी बहन की बाइट है हमारे पास, उसकी बहन का बयान है, बयान सुनाइए जरा उनकी बहन का, इनके हो तो आपके पास अभी बयान सुनाइए, बयान सुनिएगा विनीत त्यागी जी, उनकी बहन क्या कह रही है सुनिए। न्याय न मिले क्या उनकी, शायद उनके ऊपर से प्रेशर होगा, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। जब गाड़ी आई है तो सीधे शमशान घाट में लेके गए हैं, हमने वहाँ जाके गाड़ी रोकी है, सब लेडीज गई थी, उन्होंने धक्का मार दिया हमें, अंकल के लात मारी उनके सीना में, हमने हाथ पकड़ पकड़ के फेंक दिया, शमशान घाट से भगा दिया आप लोगों को, शमशान घाट तक पहुँचने नहीं दिया, पहुँचने नहीं दिया उन्होंने, तो शमशान भूमि में अपने आप दाह संस्कार कर दिया लड़की का। हम गए थे हाथ भी जोड़े थे उनके, मगर वो उन लोगों ने नहीं सुनी, हमें चेहरा तक नहीं दिखाया, पता नहीं वो लड़की बनी शाही थी या किसी और की बड़ी थी, नहीं पता हमें, क्योंकि माना मामा भी नहीं, मामा ने भी देखी थी वो लड़की, जो उसका पोस्टमार्टम हुआ था किसी ने देखी नहीं थी घर में। रात के व्यवहार से और अब तक जो पुलिस का व्यवहार रहा है, क्या आपको लगता है कि हाथरस पुलिस से आपको न्याय मिलेगा? नहीं लगता न्याय मिलेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस आपको न्याय दिला पाने में नहीं दिला पा रही है और आपके साथ अन्याय कर रही है? सुनकर रही है हमारी, वो पुलिस तक कोई ठक्का मार मार के भगा रही है, जब तो हमें मुजरिम समझ रही है ना, उन लोगों ने छोड़ के यहाँ मुजरिम समझ रही है कि हमने कुछ लड़की मारी है, ये लोग सोच रहे हैं, वो तो जो मुजरिम है उन्हें तो बिल्कुल सजा ना मिला। आप क्या मांग करती हैं इस समय प्रशासन से, सरकार से? फांसी देनी चाहिए उन्हें, जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। सुन लिया आपने उनकी बहन का क्या कहना है, सुना आपने, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमें तो शक्ल तक नहीं दिखाई गई, मुझे ये तक नहीं पता है कि जिसका दाह संस्कार किया गया वो मेरी बहन है भी कि नहीं, उसकी बड़ी बहन ये कह रही है। देखिए स्वाति जी, आपने इनकी बहन का जो बयान सुनाया और बाकी परिवार के जो भी बयान है वो मैं सुन रहा, पूरा दिन सुने हैं, और उसके बाद ही मैंने अपनी बात जो कही वो कही, बाकी दोहरा देता हूँ कि प्रशासन ने कुछ और एंगल रखा और परिवार ने कुछ और बात कही, इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ही सच जो है वो सामने आए कि मुख्यमंत्री ने SIT का गठन किया है, वो दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और पूरा का पूरा सच सामने होगा, और जो भी दोषी है चाहे वो DM हो, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, योगी सरकार यही आश्वासन देती आई है और जितने भी केस हुए हैं उन सब में यही हमने देखा है कि दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो प्रशासन से विरोध रखते हो या फिर गुंडा। कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान, हमारे जुड़े हुए, चाहूंगी कि आप जवाब दीजिए जो प्रशासन की चूक बता रहे, प्रशासन ना जाने बिल्कुल इनएक्सपीरियंस प्रशासन था जिसे नहीं पता था कि क्या करना है और अब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इनएक्सपीरियंस प्रशासन बैठा हुआ है, बताइए। कांग्रेस से हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, प्लीज जवाब दीजिए आप इस बात का जो ये दावा कर रहे हैं। देखिए स्वाति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आज अपनी बहन जो देश की बेटी है, मैं उसको अपनी नम आंखों से उसको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश की जितनी बहनें और बेटियां इस कठिन परिस्थितियों में इस कठिन परिस्थितियों में वो अपना संघर्ष करके अपना मुकाम बनाती हैं, बड़े पदों पे जाती हैं, देश में नया नया कीर्तिमान बनाती हैं। मैं दो लाइनें कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारी जितनी बहन बेटियां पूरा देश देख रहा है कि पढ़ रही हैं बेटियां, लड़ रही हैं बेटियां, अपना हर वजूद
खुद ढूंढ रही हैं बेटियां इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप जलकर स्वयं जल रही हैं बेटियां। कल रात का दृश्य देख करके मैं समझ गया कि कानून व्यवस्था जो निरंकुश हो गई है उत्तर प्रदेश में, उस कानून व्यवस्था भी उसी तरह जल रही थी जैसे हमारी बहन और बेटी जल रही थी। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि जब उसके साथ अत्याचार हुआ तब इनकी सरकार ने उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। जब स्वास्थ्य का मामला हुआ 8 दिन तक वो जिला अस्पताल में रही, ठीक है, जिला अस्पताल में रहने के बावजूद एयरलिफ्ट करा करके एम्स में इलाज कराने की सुविधा तक सरकार ने नहीं समझी। और इनके डीएमएसएसपी तो इसको फेक बता रहे थे। 376D की धारा जो गैंग रेप की होती है वो लोग इन लोगों ने दर्ज नहीं की, और उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनको सरकार पहले दिन से बचा रही थी। और कल रात का दृश्य देख करके पूरा देश हैरान हो गया। चलिए, ये बेटी, ठीक है, जो अपने परिवार के साथ में बीजेपी से जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं हम इनसे भी पूछ लेते हैं कि जिस तरीके की बातें रख रहे हैं सामने कि ये तमाम धाराओं के बारे में इन्होंने बताया, मैं सीधा आपसे सवाल करती हूँ कि जब योगी सरकार बनी थी बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, राम राज्य की बात करी गई थी, ऐसा राम राज्य यहाँ पे जो देश की आधी आबादी वही सुरक्षित नहीं है, ये राम राज्य? देखिए स्वाति जी, जहां अपराधों की बात है, उत्तर प्रदेश में किस तरह अपराधों का हाल था ये किसी से छिपा नहीं है, और योगी सरकार के आने के बाद अपराधियों के मन में कितना खौफ है वो भी किसी से छिपा नहीं है। पहले और आज के जो ये अपराध है उसका एक समाज का भी दायित्व है कि हम ऐसा समाज तैयार करें कि ऐसे अपराध ना हो। लेकिन सरकार का ये दायित्व है कि अगर ऐसा अपराध कोई करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी तो चाहिए। एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी। ऐसे नियम कानून बनाइए ना, ऐसे नियम कानून बनाइए कि रूह कांप जाए, ये ऐसा पाप करने से पहले रूह कांप जाए सोचने की, क्योंकि इतनी लचर कानून व्यवस्था है, केसेस इतने पेंडिंग पड़े रहते हैं, भले चाहे पॉक्सो रिलेटेड केसेस हो, जब बच्चियों के साथ अपराध होते हैं, चाहे महिलाओं के साथ हो, इतना लचर कानून है कि लोगों की आंखों में डर ही नहीं है। अफसोस होता है, उस प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं लड़के हैं, गलती हो गई तो क्या फांसी पे चढ़ा दोगे, तो वहां तो ऐसा होना ही होना है। नहीं नहीं स्वाति जी, आप जिस तरह से इसे कह रही हैं वो बड़ा ही असंवेदनशील है, और ऐसा बयान किसी ने दिया नहीं। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे बाकी अपराधियों को जब सजा हमने दी वो एक उदाहरण बना, ये केस भी एक उदाहरण इन दोषियों को सजा देने का बनेगा। आप देखिएगा, चाहे वो विकास दुबे जैसे गैंगस्टर रहे हो या ऐसे गैंगस्टर रहे हो जिनके घर में तक घुसने की कोई कोशिश नहीं कर पाता था, ये केस भी वैसा ही उदाहरण बनेगा। ठीक है, ठीक है, तमाम डेटा है मेरे पास योगी सरकार बनने के बाद से क्या क्या कुछ हुआ है, तमाम डेटा लेकर के मैं बैठी हुई हूँ आज। जो राम राज्य की बात हो रही, ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं इस बारे में। यहाँ रुके, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की,
पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, तो हम राष्ट्र धर्म में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हाथरस में 19 साल की युवती के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसके बारे में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से विनीत त्यागी और सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। विनीत त्यागी, आपसे ही सवाल ले लेती हूँ। ज़्यादा सवाल आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आंकड़ा बताती हूँ मैं आपको। 6 अगस्त 2020 को यूपी के हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ उसके घर के सामने अगवा करके रेप किया गया। 5 अगस्त को बुलंदशहर के जिले खुर्जा में 8 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई, उसने शोर मचाया तो गला घोट करके उसकी हत्या कर दी गई। और बताती हूँ मैं आपको, ये तो कुछ ऐसे केसेस हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड यानी कि NCRB कहता है कि इस साल जनवरी में आई सालाना रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश सबसे आगे महिलाओं के साथ अपराध के मामले में। देश में महिलाओं के खिलाफ 2018 में कुल 3,78,277 मामले हुए और अकेले यूपी में 59,445 केसेस सामने आए हैं। यानी देश के कुल महिलाओं के साथ किए गए अपराध का लगभग 15.8%। अब बताइए क्या कहेंगे आप, यूपी में एक कैसा रामराज है, यूपी में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, इसके बारे में जल्दी से टिप्पणी करिए। विनीत जी, आपसे सवाल है मेरा। खैर, विनीत जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, बात कर लेते हैं। सचिन जी, ये जो हो रहा है यूपी में, विपक्ष भी लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है और जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह पर गुस्साई जो जनता है देश की, जिसके अंदर गुस्सा फूट रहा है, वो जगह जगह मार्च निकाल रहा है, कैंडल मार्चेस निकाल रहा है, कल से शुरुआत हो गई और अभी भी तस्वीरों में दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप योगी सरकार को जो कहती है कि हम क्राइम रेट गिराने के लगे हुए हैं, हम यूपी से अपराध खत्म करेंगे, ऐसे? सचिन जी देखिए, स्वाति जी मैं बताना चाहूंगा, आज आपने जैसे सवाल पूछा सरकार से, सरकार के पास पूर्णता कोई जवाब नहीं। जिस प्रकार आपने एनसीआरबी का डाटा बताया, एनसीआरबी के डाटा में कैपिटल स्टेट बन गया है महिलाओं के अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश। और मैं एक और बात बताता हूं, जब इनकी सरकार आने के समय 2017 के चुनाव के समय बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए थे, इन्होंने कहा था कि महिला सुरक्षा के लिए 3 टास्क फोर्स बनाने की बात कही थी, अवंती बाई टास्क फोर्स, उदा देवी टास्क फोर्स, झलकारी बाई टास्क फोर्स। आज वो टास्क फोर्स कहां चली गई? एक इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड जरूर बनाया था, आज तो मुझे लग रहा है वो भाजपा नेताओं के इशारे पे काम करता है। और मैं कहना चाहता हूं स्वाति जी आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी मामले बढ़ते हुए जा रहे महिला अपराध में, ये सरकार की निरंकुशता है। अगर ऐसे रामराज की कल्पना योगी आदित्यनाथ जी ने, मोदी जी ने की थी, तो उत्तर प्रदेश को ऐसा रामराज नहीं चाहिए जिसमें हर 15 मिनट में बलात्कार हो, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हत्याओं में नंबर एक स्टेट हो गया है उत्तर प्रदेश, क्या समझा जाए? आज हमारी बहन बेटियों को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें और दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया। अरे जब सारी सरकारों ने कुछ नहीं किया तभी तो जनता ने आपको चुना ना, तो आज आपको जवाब देना होगा। मैं तो कहता हूं अगर योगी आदित्यनाथ जी की नैतिकता हो तो उनको अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। राज्यपाल महोदया, एक महिला होने के नाते राजभवन से एक बयान नहीं आता बेटी के सम्मान में। मैं तो कहता हूं मोदी जी कुवैत में आमिर जो मरा उस पर उन्होंने ट्वीट करके आंसू बहाए, लेकिन देश की बेटी के लिए मोदी जी का एक ना ट्वीट आया ना एक वर्जन आया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जो इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, आज तो बेटियां इनके नेताओं से सुरक्षित नहीं है। स्वाति जी आपने इससे पहले देखा होगा। आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आप आवाज मिल रही है मुझे, जवाब दे। नहीं रुकिए, पहले मेरा भी एक सवाल यहाँ पे था, शायद आपको पहले आवाज नहीं मिल रही थी। बेहद संक्षेप में मैं आपको बता देती हूँ एनसीआरबी का जो डेटा क्या कह रहा है। एनसीआरबी का डेटा कहता है देश में महिलाओं के खिलाफ 2018 में कुल 3,78,277 केसेस हुए हैं अकेले यूपी में, लेकिन तकरीबन 60,000 मामले हैं
जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध हुआ, महिलाओं के साथ यानी कि रेप केसेस, यानी कि देश की कुल महिलाओं के साथ किए गए अपराध का लगभग 15% यूपी में हुआ है। ये राम राज्य की कल्पना करी थी आपने, हर जगह सिर्फ बिल्डिंगें बनवाएंगे, बाकी चीजें बनवाते रहेंगे, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कोई बात नहीं करेगा। देश की आधी आबादी है उसकी आवाज के बारे में कोई बात नहीं करेगा। किसी की मैनिफेस्टो में नहीं होता कि महिलाओं के लिए ये कानून आएंगे। कानून आ भी जाते तो किसी को डर नहीं होता है। आप दे दूं सतीश जी, बताइए, आपके भी सवाल है, सचिन जी के सवाल है, थोड़ा समय दीजिएगा। आपने एनसीआरबी के डाटे की बात, 2018 का डेटा आपने बताया और उत्तर प्रदेश का डेटा आपने बताया, और सचिन रावत जी भी उसी डेटा का रेफरेंस लेके राजनीति की रोटियां सेकने का काम करना चाहते हैं। अरे एनसीआरबी ने केवल उत्तर प्रदेश का डेटा नहीं दिया है, पूरे देश का डेटा दिया है। आपकी सरकारें जहां हैं, आप बताएं आपने क्या किया है वहां पर। आप राजनीति करना चाहते हैं ना इन मुद्दों पर। किसकी सरकार ने क्या किया ये मायने नहीं रखता है ना, क्यों हो रहा है ये मायने रखता है। किसकी सरकार ने क्या किया, किस राज्य में क्या हो रहा है। सचिन रावत ने राजनीति की बात की है ना एनसीआरबी के डेटा पर। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना कि आपका कैसा राम राज्य आप दे रहे हैं। लेकिन पहले जो उन्होंने सवाल किया है उसकी बात का जवाब मैं दूंगा। तो सचिन रावत जी, जब आप दूसरों पर ऐसी उंगलियां उठाएंगे तो अपने गिरबान में जरा झांक कर बोलिएगा। अब स्वाति जी आपके बात पे आते हैं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो गुनाहों का, क्राइम का जो ये पूरा एक कैंसर फैला हुआ है उसका इलाज योगी सरकार कर रही है, लेकिन एक दिन में इलाज नहीं होगा। इतना गहरा फैला हुआ ये कैंसर है, आप उसको बार बार कि यही राम राज्य है, यही राम राज्य है, इस तरह से जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप उसको राम राज्य से तुलना करेंगे, आप उसको राम राज्य बताएंगे। अरे आपने 2000 की बात कर लीजिए, राम राज्य शब्द से आपको इतनी आपत्ति हो रही है, आप ये बता दीजिए कितना अच्छा माहौल है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, आपके तमाम बजरंग दल, ये दल वो दल, तमाम दल हैं आपके जो जा करके अगर किसी गार्डन पार्क में कोई लड़की लड़का बैठे हो उनके ऊपर आपत्ति जताते हैं, तब ये सारे दल कहां चले जाते हैं जब इस तरीके की घटना हो रही होती है। उसको रोकने के लिए कोई नहीं है, कानून का डर तो है ही नहीं लोगों में। स्वाति जी, उन सब घटनाओं को रोकने के लिए सब है यहाँ पर, और सारे गुनाहगारों को यहाँ पर जिस तरह से यूपी में इस वक्त सजा मिल रही है, पहले कोई केस तक दर्ज नहीं करा पाता था अपना। मैं इसी उत्तर प्रदेश में मेरठ में बैठकर बात कर रहा हूँ। आप मुझे नहीं पता आप कितना उत्तर प्रदेश को जानती हैं। आप 2017 का पहला उत्तर प्रदेश देखा है आपने? विनीत जी, उत्तर प्रदेश से ही हूँ, ये आपको बता देती हूँ मैं, उत्तर प्रदेश से ही आती हूँ। तो उत्तर 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश भूल गई है क्या आप? सब याद है, सब याद है, किसकी किसकी सरकार में क्या हुआ। अगर आपको सब याद है तो आप एक तुलनात्मक भी कर सकती हैं यहाँ पर, तथ्य के बेस पर एक तुलना कर सकती हैं यहाँ पर। आप जिस तरह से उसको बार बार कह रही हैं कि राम राज्य ऐसा होता है, किसने कहा कि राम राज्य ऐसा? आप इससे इतना आहत क्यों हो रहे हैं? आप ये बताइए कि आप इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप इस चीज से इतना आहत मत होइए। मैं आहत इसलिए हो रहा हूँ कि एक इतनी बेकार जो घटना एक बेटी के साथ हुई उसका इस्तेमाल किस तरह से राजनीति के लिए किया जा रहा है। मैं तो राजनीति नहीं ना कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ आपसे। मैं तो राजनीति नहीं करूंगी ना, मैं तो सवाल कर रही हूँ आपसे। हाँ, तो आपके सवाल का जवाब मैं आपको आपकी तरह ही दे रहा हूँ मैडम, बताइए। देखिए, मैं फिर अपनी वही बात दोहरा रहा हूँ कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये अंतर है कि पहले जब अपराधियों के विरुद्ध आप शिकायत करने थानों में जाया करते थे तो वहां ना आपको कोई सुनता था, उल्टा पिटाई आपकी कर दी जाती थी। आज एक घंटे के अंदर यहाँ पर इस केस में भी FIR हुई है, और जो गैंगस्टर हैं विकास दुबे जैसे जो बड़े गैंगस्टर हैं उनको भी निस्तो नाबूद करने का काम हमने किया है, और इस केस में भी SIT का गठन कर दिया गया है और 7 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा रहा है। और ये भी एक उदाहरण बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमने निर्भया वाला दिल्ली का भी वो केस देखा था कि कितने सालों वर्षों तक न्याय के लिए उस मां को भटकना पड़ा। उन स्थितियों को सुधारने का काम यहाँ होगा, और आप देखिएगा इस केस में कितनी जल्दी सब फैसला भी आएगा और सजा भी मिलेगी। चलिए, सेंगर वाला केस भी हमने देखा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए सचिन रावत जी, फाइनल कमेंट आपसे ले लेती हूँ। जिस तरीके से बता रहे हैं कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके साथ क्या हुआ, विकास दुबे की बात कर रहे हैं और उसकी तुलना ये इस केस से कर रहे हैं, जरा जल्दी से फाइनल कमेंट अपना दीजिए इस पे। स्वाति जी, मैं बताना चाहूंगा, मैं सबसे पहले आपको सलाम करना चाहूंगा कि आपने NCRB के आंकड़ों को लेकर के सरकार से सवाल किया, लेकिन सरकार ने उसको भी झुठला दिया, क्योंकि इनकी जो सरकार है वो हमेशा
जो भी अगर सवाल पूछता है तो उसकी आवाज को दबाने का काम, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं कि सरकार पूर्णता निरंकुशता पे आतुर है और योगी आदित्यनाथ जी की मंशा नहीं है कि हर बेटियों महिलाओं को सुरक्षा देने की, क्योंकि अगर आज सुरक्षा दे दी होती, अगर उसका हमारी बहन बेटी का इलाज मुहैया करा दिया जाता एम्स में, तो आज वो बेटी जिंदा होती। लेकिन इनकी निरंकुशता की वजह से आज उस बेटी ने अपने प्राण त्याग दिए, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे उत्तर प्रदेश की कल्पना नहीं करती थी उत्तर प्रदेश की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रधर्म में दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी से विनीत त्यागी और सचिन रावत कांग्रेस से। बहस चाहे जितनी कर लें, चाहे जितनी हम बातें कर लें, लेकिन जब बात आती है महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध की, तो क्यों नहीं ऐसे सख्त कानून बनाए जाते कि जिसके बारे में सोच करके भी रूह कांप उठे ऐसा अपराध करने से पहले। शायद इसलिए क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचर है, क्योंकि सालों साल केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। क्योंकि जब निर्भया को भी, जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, उसको भी इंसाफ मिलने में इतने साल लग गए, शायद इसलिए इतनी लचर व्यवस्था की वजह से लोगों के मन में डर नहीं है। शायद हैदराबाद में जो हुआ था ऐसा ही कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका पक्ष मैं कतई नहीं लेती हूँ। सब कुछ कानूनी वैधिक तरीके से होना चाहिए, लेकिन इतने सख्त कानून होने चाहिए कि आंखों में डर होना चाहिए। राष्ट्र में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।